के जो बच्चे आ रहे हैं हाँ उनमें सब में ब्लू आईज है, आप देखिएगा। अरे ब्लू आईज व्हाइट वाले चूहे होते हैं ना, मॉल्टीज है गाइस, ये देखना यार पपीज के पपीज हैं। वाओ, ये ब्रीड कोई भी हो बट उसे अच्छी तरह से पाल सके तो खरीदे, वरना नहीं खरीदे। पॉइंट, ये चीज चाहे अडॉप्ट करें आप, चाहे आप परचेज करें, बट अगर आपको डॉग सारी उम्र संभाल के अच्छी तरह से रख सकते हैं, एज ए फैमिली मेंबर अगर आप उसको मेंटेन कर सकते हैं। ये मेरे ख्याल से अभी कार्तिक आर्यन ने भी शायद यही वाली ब्रीड लिया गाइस, मतलब वो थोड़ा उसकी वजह से ब्रीड ज्यादा फेमस हो गई। व्हाट्स अप एवरीबॉडी, क्या हालचाल। सो आज का जो व्लॉग है बहुत ज्यादा ही खास होने वाला है, बिकॉज मैं आज आपको मेरी पर्सनल फेवरेट ब्रीड फ्रेंच बुलडॉग दिखाने वाला हूँ, वो भी बिल्कुल एक्सॉटिक्स। तो उसके लिए मेरे को जो है अभी दिल्ली सफर करना पड़ रहा है, और व्लॉग शुरू करने से पहले ये देखना कहाँ गए भाई मेरे वाले बुलडॉग कहाँ हैं। ये देखो जी, हमारा बुलडॉग यहाँ बैठा है गाइस, ये बिल्कुल बुलडॉग निकल रहा है। अरे 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 मीमू मीमू को पता चल गया कि वी आर गोइंग, तो बुलडॉग हमारे बुल्ली बिल्कुल बुलडॉग जैसा है। हाँ, और हम अनुराग राणा है जी, ये हम दिल्ली आउटर में खेड़ा कलां विलेज पड़ता है, तो पीछे से एंसेस्ट्रली कम से कम 7-8 पीढ़ियों से हम यहीं रहते हैं। वाह, सारा गांव है और यहाँ पे ज़्यादातर जो है डॉग लवर हर एक पर बंदा है, हर घर में कोई ना कोई डॉग मिल जाएगा आपको। अरे वाह, लेकिन डॉग ब्रीडिंग के अंदर फादर साहब हमारे आए थे। अच्छा, हमारे घर में भी एक शेफर्ड था बहुत पहले, उसके जाने के बाद फिर फादर ने कैनल स्टार्ट किया। 3-4 साल कैनल स्टार्ट करने के बाद फिर उन्होंने जब महसूस किया कि भाई उनसे नहीं संभल रहा, तो उन्होंने मुझे हैंड ओवर किया। उस टाइम पे अटपटा सा लग रहा था, बट जैसे ही फिर इनके बीच में जाने लगे, देखने लगे, तो पता चला कि यार ये तो बिल्कुल, इनका तो ज़्यादा केयरिंग चाहिए, बच्चों की तरह चाहिए। तो वो धीरे 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 अफेक्शन जो है इनसे बढ़ता चला गया, तो फिर प्यार हो जाता है, तो फिर सब कुछ हो ही जाता है। अभी मैं लोकेशन पे पहुंच चुका हूं, और गाइस मतलब लोकेशन तो मेरे को बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगी, और सर से अभी मैं आपको मिलवाऊंगा। कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल अच्छा जी, बहुत बढ़िया सर। मतलब मेरी सर से फ़ोन पे बात हुई, सर ने मुझे ना लोकेशन मतलब फोटोज भेजी बच्चों की, और मैंने कहा यार यहाँ तो मेरा व्लॉग बनाना बनता है, बिकॉज फ्रेंच बुलडॉग के साथ जो मेरा प्यार है, मेरे पास अमेरिकन बुल्ली है पर वो दिखता बिल्कुल फ्रेंच बुलडॉग के जैसा है। तो फिर मैंने आपके ब्लॉग देखा तो उसके अंदर मुझे पता था, इसीलिए मैंने आपसे और आपने मुझसे कॉन्टैक्ट किया। बिल्कुल अच्छा, तो अभी फिलहाल यहाँ पर हम जहाँ पर आए हैं, यहाँ पर कितने डॉग्स हैं आपके पास? मेरे पास हैं 25 के करीब डॉग्स। मतलब 25 के करीब, और सारी स्मॉल ब्रीड है? हमारे को फाइनल ले आए हैं इन प्यारे प्यारे माल्टीज के पपीज के पास। तो ये फीमेल कितनी एज की अभी है, क्या नाम है इसका? फीमेल ने इसमें फर्स्ट टाइम ही बच्चे दिए। अच्छा, इसका नाम है व्हाइट। व्हाइट, हेलो व्हाइट, काटते तो नहीं? नहीं, वाइट है ये, बट अभी डिलीवरी टाइम पे थोड़ी गंदी हो गई है। हाँ, वो उस टाइम नला भी नहीं सकते ना इसके। मैं इनको पप्पीज को पकड़ूँ? अरे भाई चूहे लग रहे हैं, वाइट वाले चूहे, वाइट वाले चूहे होते हैं ना, मॉल्टीज है गाइस, ये देखना यार पप्पीज के पप्पीज हैं। वाओ, ये ब्रीड भी अच्छी खासी प्यारी है, मतलब एक वही क्रिएचर जो भगवान के बनाए हुए, एक सुंदरता है ना इस ब्रीड में, अलग से दिखती है गाइस। लो जी, सबसे जिस चीज का मुझे कब से वेट है वो है ये प्यारे प्यारे क्योंकि मुझे पपीज दिखाने में जो मजा आता है ना वो अलग ही लेवल का रहता है, क्योंकि क्रिएचर अलग चीज है ये। मून के जो बच्चे आ रहे हैं हाँ, उनमें सब में ब्लू आईज है, आप देखिएगा। अरे ब्लू आईज, वाओ यार ये तो मतलब, ओह माय गुडनेस। एक आध बच्चे में मदर साइड जा रही है हाँ, तो टोटली ब्लू आईज जो फ्रेंच के अंदर रेयर। पूरे 30 दिन तक तो इनकी पूरी मेहनत लगानी पड़ती होगी इन पे ना? कम से कम 10-11 दिन, जब तक बच्चों की आंख नहीं खुलती जब तक तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि कई बार मदर को नींद आ जाती है, कोई नीचे दब जाए या कुछ हाँ, तो वो ध्यान रखना पड़ता है। और मतलब ये नहीं है गाइस, आपको लगता है कि सिर्फ इनमें पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, सब कुछ इनमें इमोशंस भी इन्वेस्ट होते हैं, एक एक डॉग के साथ आपकी एक एक स्टोरी है। बीमार हो जाता है तो हम खुद परेशान होते हैं। हाँ, मैंने देखा है एक्चुअली ना, जैसे हम डॉक्टर सरदाना है हमारे वहाँ पे, तो हम वहाँ जाते हैं तो अगर मैं देखता हूँ कोई अपना पपी लेके आया ना, वो रो रहा है कि ये ठीक हो जाए, कि इसको बेचेंगे नहीं, इसको रख लेंगे, बस ये ठीक हो जाए ना। घर के आप एक बताइए ना, एक घर में 4 बच्चे हो जाएंगे तो प्यारे नहीं लगेंगे? हाँ ये तो है, ये थोड़ी है कि एक बच्चा ठीक है और एक दिक्कत है, तो कोई फर्क नहीं। इसकी आईज बड़ी कदर लग रही है। इसका कलर कौन सा है सर?
ये एक्चुअली ब्लू मरले कहा जा सकता है, चॉकलेट मरले भी, ये मिक्स है, कई कलर्स मिक्स है इसके अंदर, इसाबेला भी है। अच्छा, ब्रीडिंग ना एक ऐसी अभी कंडीशन बन गई है कि लोग ब्रीडिंग को हेट करने लगे हैं, जो डॉग लवर्स हैं वो सोचते हैं कि ब्रीडिंग हो रही, ब्रीडिंग वर्ड यूज़ करा है तो कहीं ना कहीं क्रुएलिटी हो रही होगी, बच्चों की मशीन बना के डॉग्स को, बार बार उनसे बच्चे लेना, बाद में उनको सड़कों पे भी छोड़ देते हैं कहीं लोग तंग आके, या कोई बीमारी हो जाती है तो किसी को ऐसे ही दे देते हैं, तो ये इस चीज़ के ऊपर आपका क्या कहना है? एक्चुअली क्या है कि जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ मनी पर्पज़ के लिए ये शुरू किया है जी, तो वो तो सिर्फ हर लाइन में है, कोई डॉग्स की लाइन में क्या है, लोग अपने माँ बाप को भी छोड़ देते हैं, बिल्कुल, लोग अपने शौकों के लिए और कुछ पता नहीं क्या क्या करते हैं, अपनी औलाद की भी फीस नहीं भरते जी, तो वो चीज़ जो है वो एक अलग है। क्रूअल भी होते हैं लोग, डॉग लवर भी होते हैं, बिल्कुल, और बेसिकली डॉग लवर जो हो उसी को डॉग की ब्रीडिंग करनी चाहिए। हम जैसे है ब्रीडिंग में अब लगे रहते हैं, पपी मील बना रखी हैं कि बस बिचेज़ की हालत कोई भी हो तो ब्रीडिंग लेनी है लेनी है, ये तो क्रूअल्टी है, बट हम इस तरीके से नहीं करते। हमारा भी आपको बारी है बड़े डॉग्स को दिखाने की, तो मैं चाहूँगा सर अब सबसे पहले हम जो है हमारे जो इम्पोर्ट डॉग्स हैं वो दोनों दिखाएं, और उसके बाद जो जितने और साथ में डॉग्स हैं सभी को दिखाएं। और वाह यार ये क्या बात है, ये तो बहुत रेयर कलर है ना सर, इसमें काफ़ी कलर्स जो हैं वो इंक्लूड करती है इसकी ब्लड लाइन, तो इसके अंदर मरले, इसाबेला मरले, ब्लैक मरले, आपका चॉकलेट मरले। मैं इनको इनको ध्यान से आपको एक बार पास से दिखाता हूँ इनके कलर, यार व्हाट एन अमेजिंग कलर, अरे 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 वाओ। तो अभी ये दोनों कितनी कितनी एज के हैं सर? ये तो अभी एक साल का है। अच्छा, और काफ़ी नोटी है। हाँ हाँ, इसकी इतना ये नोटी है, इतना कोई डॉग नोटी नहीं है। अच्छा, मतलब आप फ्रेंच बुलडॉग ब्रीड किस टाइप के पेट पेरेंट्स को आप सजेस्ट करेंगे? मतलब आपको कि ये ब्रीड कहीं ना कहीं नॉटी भी होती है, कभी समझदार भी होती है, तो आप किस टाइप के पेट पेरेंट्स को ये? देखिए, जो बच्चों की शैतानी और बच्चों का प्यार दोनों को मिक्स करके चल सकते हैं उनके लिए। तो ये मतलब ब्रीड मोस्टली तो यार दिल्ली या ऐसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज के लिए बेस्ट है, क्योंकि स्पेस कम लेती है ना, स्पेस कम। एक्चुअली जो सबसे बड़ा मेन फैक्टर है वो यही है कि पहले मैं जैसे बड़ी ब्रीड्स रखता था तो प्रॉब्लम वही आई कि जगह जो है वो कम होती चली गई, क्योंकि हर जगह ये अपना जैसे किराएदार घुस गए हैं या कुछ हो गया तो वो स्पेस नहीं रही दिल्ली शहर में, तो इसलिए अब सब जो हैं वो टॉय ब्रीड की तरफ भागने लग गए। बिल्कुल, लोग परेशान होते थे कि भाई कहीं जा रहे हैं तो डॉग्स को कैसे कहाँ लेके, तो अब वो उनके साथ क्या है कि वो डॉग्स को रख सकते हैं। बिल्कुल, अरे अरे मैं नीचे बैठूँ एक मिनट के अंदर अंदर ही ये मेरे पीछे पीछे लग जाते हैं। मून है, सिस्टर मून। अच्छा, ये यूक्रेनियन इंपोर्ट है। अरे वाह, बस शुक्र ये है कि लड़ाई शुरू होने से पहले आ गया ये। ये बात तो मैं भी बोलने ही वाला था, वहाँ पे युद्ध लड़ रहा होता। अरे वाह भाई वाह, क्या क्यूट बच्चा है ये। लो जी, कौन आया है नया मेहमान, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर आ जाओ इधर आ जाओ, इसकी तो टेल ही नहीं है बिल्कुल भी। अरे 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 अरे, बस 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 बस, इसकी तो बिल्कुल ही टेल नहीं है। यंगेस्ट बेबी है हमारे घर की। अच्छा, तो ये भी कितनी एज होगी इसकी? ये हो गई 8 महीने की। और इसका फादर कौन है? इसका फादर जो है वो इम्पोर्ट है। अच्छा, अरे वाह, अरे ये देखो भाई, अलग ही लेवल की मस्तियाँ चल रही हैं यहाँ पे। ओए 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 ओए, इसका कलर बहुत प्यारा है यार। हाँ, ये इसका फादर कौन है? इसका फादर जो है वो मून ही है। अच्छा, सही है, वो अंदर भाग गए। अरे 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 अरे, तो आपके पास इस टाइम मतलब सबसे एज डॉग कितने साल की है? सबसे एज्ड नियर अबाउट 9 ईयर्स की। अच्छा, आपके पास ही अभी भी आपके साथ डिलीवरी नहीं ले रहे उससे? अच्छा, बस उसको रेस्ट मोड में छोड़ दिया है, अपनी लाइफ बढ़िया। सही है यार, ये अच्छा कि सबको डांट लगाते रहो। अच्छा गाइस, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, फ्रेंच बुलडॉग एक ऐसी ब्रीड है जो बहुत इजी टू मेंटेन है, और साथ ही साथ जैसे यहाँ पर मैं आया हूँ स्पेशली, तो ये यहाँ का ब्लॉग बनाने का मेरा मेन मोटिव यही है, क्योंकि दिल्ली सराउंडिंग में जो लोग चाहते हैं कि प्यारा कहीं हमारे को फ्रेंच बुलडॉग है ना, हम कहीं पास जाके खुद देख कर ले सके, तो ये बेस्ट प्लेस है आप सभी के लिए, और यहाँ का सारा डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, सो मेक श्योर टू चेक दैट आउट। तो जिस चीज़ का मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा हूँ दिखाने का, वो है ये बहुत ज़्यादा प्यारा सा पपी। ये कितने टाइम का है?
ये नियर अबाउट 3 मंथ्स का है। वाह क्या बात है। और इसकी ब्रीड है ये बिशॉन फ्राई। बिशॉन फ्राई वाह ये काफी ब्रीड का पता है आपको? टॉय ब्रीड है ये। ओके बिल्कुल ही टॉय। इनका एक्चुअल साइज जो है वो 7-8 इंचेस। अच्छा ये मेरे ख्याल से अभी कार्तिक आर्यन ने भी शायद यही वाली ब्रीड ली है गाइस। मतलब वो थोड़ा उसकी वजह से ब्रीड ज्यादा फेमस हो गई है। अरे वाह मैं इसको पकड़ सकता हूँ? अरे 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 ओए ओए इसको नीचे छोड़े ये खेलेंगे थोड़ा सा पैन में छोड़ दे इसको ले। हाँ जी हाँ ये देखना ये जैसे सॉफ्ट टॉय नहीं होता। अरे 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 लड़पड़ी 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 लड़पड़ी। अच्छा ये चीज़ बहुत इजी रहती है इसकी वजह से ना। अरे वाह ये इसके साथ आ गया। ये ऐसे सॉफ्ट टॉय ही है बस एक तरीके से ना। पर ये ब्रीड की मेंटेनेंस ज़्यादा होती है क्या कहते हो? कुछ भी नहीं खाते यार क्या खाते हैं ये तो 3 बिस्किट दे दो दिन में उसमें पेट भर जाता है इनका। ये शरारती ना मतलब ये ही ब्रीड कर सकती हो देखना। ओह मतलब इनके इनके रहते रहते तो पूरा माहौल बना रहता होगा भैया यहाँ पे। विद दैट करते हैं हम आज के व्लॉग का एंड। आई होप आपको एंटरटेनिंग व्लॉग लगा हो और थैंक यू सो मच सर आपने टाइम दिया। आपके लिए भी बहुत बहुत अच्छा लगा आप यहाँ आए और बस ये है कि मेन मोटो ये है कि डॉग लवर्स के पास मैसेज जाए कि ब्रीड कोई भी हो बट उसे अच्छी तरह से पाल सके तो खरीदें वरना नहीं खरीदें। पॉइंट ये चीज़ चाहे अडॉप्ट करें आप चाहे आप परचेज करें बट अगर आपको डॉग सारी उम्र संभाल के अच्छी तरह से रख सकते हैं एज ए फैमिली मेंबर अगर आप उसको मेंटेन कर सकते हैं तो आपको लेना चाहिए अदरवाइज प्लीज मत लीजिए। पॉइंट बहुत बहुत सही बात कही है सर ने एंड आई होप आपको ये प्यारे प्यारे बच्चे अच्छे लगे हो। सो विद दैट करते हैं हम आज के व्लॉग का एंड। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट व्लॉग में और लिंक जो है सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं सर से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और मेरे को ये जगह बहुत सही लगी और यहाँ के बच्चे अमेजिंग है गाइस।